आरा वालों के राम राम को स्वीकार करें। तो आइए, राजा भोज के नाम पर बना भोजपुर जिले का मुख्यालय गंगा और सोन नदी के संगम के नजदीक स्थित आरा नगर परिषद में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना से 36 मील और दानापुर से 24 मील की दूरी पर स्थित ये शहर आधुनिकता और प्राचीनता के मिश्रण को प्रकट करता है। शाहबाद जिला, जो कि 1972 से पहले एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था, उसे दो भागों में विभक्त करके भोजपुर और रोहतास का नाम दिया गया। तत्पश्चात 1992 में पुनः भोजपुर जिले से एक और जिला का उदय हुआ, जिसे बक्सर नामांकित किया गया। यदि हम इस नगर के इतिहास पर नजर डालें तो हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस नगर का नामकरण वन की देवी मां आयरन्य देवी के नाम पर हुआ। वर्तमान में यह मंदिर शहर के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है। यहाँ की एक मूर्ति आदि सती का है तो दूसरी मूर्ति पांडवों के द्वारा स्थापित है। यह मंदिर पत्थरों के शिलाखंड के ऊपर स्थित है, जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सच्चे मन और हृदय से पधारते हैं। मंदिर के रास्ते के दोनों किनारे बने प्रसाद और चुनरी की दुकानें इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे बक्सर जिला और राजधानी पटना के बीच हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर स्थित दानापुर डिवीजन से संचालित आरा जंक्शन रेल नेटवर्क के माध्यम से इस शहर को भारत के तमाम बड़े शहरों से जोड़ता है। हजारों की संख्या में यात्री प्रतिदिन इस जंक्शन से आवागमन करते हैं। जंक्शन के कैंपस में कई फीट की ऊंचाई पर फहरा रहा तिरंगा इस शहर के राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बनता है। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियां और ओवर ब्रिज से आवागमन करते लोगों की संख्या ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस जंक्शन का नेटवर्क कितना बड़ा है। इस शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,61,099 है, जिसमें 1,39,319 पुरुष और 1,21,780 महिलाएं हैं। उपजाऊ भूमि का शहर आरा वर्तमान में घनी आबादी से ढक चुका है। ऊंची ऊंची इमारतें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान इसकी भव्यता को कई गुना बढ़ा देते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाला यह शहर आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध हो चुका है। आसपास के सैकड़ों छोटे बड़े गांव और नगर के लोग नित्य प्रतिदिन अपने घरेलू उपयोग के सामग्रियों को खरीदने के लिए इस शहर का रुख करते हैं। गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए इस शहर का बाजार और भी अधिक लोकप्रिय हो चुका है। शहर की सड़कों पर लगातार दौड़ रही गाड़ियां इस बात को प्रमाणित करती है कि यह नगर अपने व्यवसाय और उद्योग के लिए स्वयं को इस राज्य में केंद्रित कर चुका है। 45 वार्ड्स में बटा यह शहर विकास के मार्ग पर सर्वदा अग्रसर है। 1857 की लड़ाई के महान राष्ट्रीय नायक बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर बना शाहबाद का पहला विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी 1992 में आरा शहर में स्थापित हुआ। यह विश्वविद्यालय पीजी, पीएचडी, बीएड, एमएड और भोजपुरी में पीएचडी के कोर्स के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक वातावरण के साथ कार्यरत है। इसके अलावे इस शहर में हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, महाराजा कॉलेज और कई अन्य प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेज इस जिले में शिक्षा के अलख को जगा रहे हैं। किंतु जब शिक्षा की बात हो तो यह बताना अनिवार्य हो जाता है कि यह शहर प्रतिदिन लगभग 10,000 विद्यार्थियों को विभिन्न कोचिंग संस्थानों के प्रति आकर्षित करता है
और शिक्षा के अलख को जगाने में इन निजी शिक्षकों की भूमिका को कमतर करके नहीं आंका जा सकता। सभी खेलों को बढ़ावा मिले इसके लिए यहाँ वीर कुंवर सिंह स्टेडियम और रमना मैदान का विशाल प्रांगण मौजूद है, जिसमें सैकड़ों नवयुवा अपने अंदर के खेल कौशल को विकसित करने के लिए सुबह शाम अभ्यास करने के लिए इन खेल मैदानों में इकट्ठा होते हैं, और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये दोनों मैदान शिल्पकार की भूमिका अदा करते हैं। मिठास के साथ आम तौर पर दिनचर्या की भाषा भोजपुरी और औपचारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग इस शहर के लोग करते हैं। इस नगर भ्रमण के लिए आने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सुविधापूर्ण होटल और रेस्टोरेंट अधिक संख्या में मौजूद हैं। शहर में चलने वाले मॉल्स ग्राहकों को इस नगर की तरफ आकर्षित करती है। किसी भी नगर की वास्तविक शोभा वहां निवास करने वाली जनता होती है। नागरिकों की समृद्धि और शिक्षा की गुणवत्ता से ही उस नगर के समृद्धि और शिक्षा की परख होती है। यह आशय इस नगर की जनता पर 100% लागू होती है। यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा, समन्वय, समझ, प्रेम, अध्यात्म में रुचि, देश प्रेम और सर्वधर्म सम्मान इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ का हर एक नागरिक अपने नगर के सौंदर्यीकरण के लिए न सिर्फ अपने लिबास को साफ रखता है अपितु अपने चरित्र को भी सच्चाई से सुशोभित रखता है। तो आइए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के भगवान को पूजने के साथ साथ अपने मन के भगवान को भी पूजते हैं और आरा सर्वदा सुख संपदाओं से फलता फूलता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हम सभी आरावासी अपने सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप हमारे शहर में एक बार अवश्य पधारें इसका आमंत्रण देते हैं। धन्यवाद।